लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और पार्टी के पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत तमाम अन्य नेता शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान भोपाल के पार्टी मुख्यालय में नेताओं के बीच हंसी मजाक का माहौल देखने को भी मिला। विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी रहे संजय शुक्ला को भगवा पटका पहनाते हुए कैलाश विजयवर्गीय बोले कि तेरी गाली सुनी और तुझे ही ले रहा हूं। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 में इंदौर एक सीट से संजय शुक्ला कांग्रेस प्रत्याशी थे। कांग्रेस उम्मीदवार शुक्ला ने चुनावी मंचों से बीजेपी कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल में केस दर्ज होने समेत भूमाफिया और आश्रय देने जैसे आरोप लगाए थे। यहाँ तक की वोटिंग वाले दिन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। हालांकि कांग्रेस के संजय शुक्ला को 57,719 वोटों से हराकर कैलाश विजयवर्गीय विधायक बन गए और अब प्रदेश की मोहन सरकार में वे मंत्री हैं। इसी बीच अब पार्टी मुख्यालय में कैलाश ने संजय शुक्ला को पार्टी का पटका पहनाते हुए कहा कि तेरी गालियां सुनी अब तुझे ही पार्टी में ले रहा हूँ। यह सुनकर संजय शुक्ला खिलखिलाकर हंस पड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजयवर्गीय के पैर छूते हुए बोले कि आपका ही बच्चा हूँ। इस दौरान विजयवर्गीय ने भी पीठ थपथपाकर शुक्ला को आशीर्वाद दिया। आइए अब जान भी लेते हैं कि संजय शुक्ला कौन है। संजय शुक्ला इंदौर के धनाट परिवार से संबंध रखते हैं। विधानसभा चुनाव में हलफनामे में कांग्रेस प्रत्याशी रहे शुक्ला ने अपनी संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई थी। संजय साल 2018 का चुनाव बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को हराकर जीते थे। पता हो कि बीजेपी का दामन थाम चुके संजय शुक्ला के पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला उर्फ बड़े भैया बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। एक तरह से अब यह संजय की घर वापसी भी मानी जा रही है। बता दें कि शनिवार सुबह भोपाल स्थित बीजेपी राज्य मुख्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और अर्जुन पालिया, आलोक चंदसौरिया, भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सुरेश पचौरी की अगर बात करें तो वे गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पुरानी पार्टी के 4 बार राज्यसभा सदस्य भी पचौरी रह चुके हैं। सुरेश पचौरी पहले कांग्रेस में कई प्रमुख पदों पर रहे थे, जिसमें पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष का भी पद शामिल था। यह युवा कांग्रेस की राज्य इकाई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं आदिवासी नेता गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को कांग्रेस के टिकट पर धार लोकसभा सीट से 3 बार 1998, 99 और 2009 में सांसद चुना गया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले राजू खेड़ी 1990 में भाजपा विधायक के रूप में भी चुने गए थे। कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई कांग्रेस को, अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाधार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावना है। धन्यवाद। बाकी समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो दुर्गेश आईडी पर मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और भी कांटेक्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आना चाहते हैं। क्या राहुल का राग अब नहीं चल रहा है कांग्रेस में? क्या राहुल का राग नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? नीचे तो कर लो माइक। अरे आईडी नीचे। अभी आपको 11 बजे पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद। पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से बड़ा लाट आएगा। अरे क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा नीचे कर लीजिए माइक। देश में बेहतर काम करने वाले, मध्य प्रदेश के
कांग्रेस के, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत वो सुरेश पचौरी है, तो ऐसे संतों का स्थान कांग्रेस में तो नहीं है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़ी देर में ही वो सदस्यता ग्रहण। राहुल गांधी जोड़ने के लिए राहुल गांधी जोड़ने के लिए आते हैं, लोग टूट जाते हैं। और भी कोई बड़े नेता आ रहे हैं? थोड़ा सा